अभी खाना था मैंने, ये बाहर की तरफ पैक करके लाने जरूरी थे। क्रीम गिर जाता है नीचे से, इसीलिए पैक किया है और लोगों को दिखाने के लिए। मैं बताऊं कपड़े ही नहीं आज पूरे बेचारे के पास। बंद कर। अभी स्कूल के बाहर बोर्ड लगे थे बच्चों के, कह रहे देखे यहाँ पर टॉपर्स के बोर्ड लगे हैं, लेकिन हमारे पीयूष का नहीं लगा। मेरे को तुम्हारा कौन सा। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखो उसे लाइट खुलता देख के वो बंद कर दिया। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। मैंने नहा धो के पूजा कर ली। इन एक और इंसान है इस घर में जिसका छुट्टी का दिन है, जिसका मन बिल्कुल नहीं उठने को, 1% भी मन नहीं मन का उठने को। सुबह से मैंने बहुत कोशिशें कर ली उठाने की। लगता है आप डांटी खाओगे मोटे मोटे। नहीं उठ रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग मानसी। मैं अपनी शक्ल दिखाने की हालत में अभी हूँ नहीं, इसलिए कैमरा मानसी की तरफ है। शक्ल इस लायक है नहीं कोई। क्या कर रही है आज? बनना है तुम्हारे लिए एग रोल। ये क्या एग है? मेरे को क्या लग रही है, एग तो कहीं से लगी नहीं रही। अरे ऐसे तो बनाते हैं, इसको फिर इसके अंदर फोल्ड करूंगी, प्याज डालूंगी। एग रोल पता कैसे बनता है? उसके लिए चाउमीन भी होनी चाहिए। मुझे वो वाला पसंद नहीं है। अरे चाउमीन नहीं, कम से कम मैगी तो होनी चाहिए। सिंपल वाला खाओ, इसमें प्याज डलेगा, इसमें मेयोनी सॉसेस वगैरह डलेंगे और ये यम्मी बनेगा। यम्मी, देखता हूँ कितना यम्मी बनता है। अरे दिखाना अभी जो बनाया तब दिखाना। और वैसे मैं दिखा दूँ आपको, ये देखो इनकी शक्ल देख। अरे दिखाना, ये देखो मुंह देखो, सूज के सुबह कितने रात कितने में सोए तुम? 11 बजे सोए थे मेरे ख्याल से। 11 अभी शायद 9 या 9:30 बज रहे हैं और अभी भी इतने मतलब चिल्ला चिल्ला के उठाया। हेमंत हेमंत, और तुमने कल वाले व्लॉग में कहा मैं 4:30 बजे उठ के ना जॉगिंग पे जाया करता था। चल झूठे पकड़ अपने फोन, चल चल झूठा इंसान, ले आगे देखो। लो जी आ गया मेरा एग रोल। इंसान ने बोला था एग रोल ऐसा ही होता है, एग रोल ऐसा ही होता है। ये हाथ अभी खाना था मैंने, ये बाहर की तरफ पैक करके लाने जरूरी थे। क्रीम गिर जाता है नीचे से, इसीलिए पैक किया है और लोगों को दिखाने के लिए। मैं बताऊँ ये व्लॉग के लिए पैक हुआ है बस, इसलिए बकवास मत कर। गाइस मैं और मोटू घूमने के लिए आ रहे हैं और मैंने हेमंत को ना, हेमंत ने आज सैंडो पहनी हुई थी, आपको याद होगा हनीमून में पहनी थी हेमंत ने। और मुझको इतनी शर्म आ रही है ऐसे कर रहा है। मानसी मानसी मुझको शर्म आ रही है, क्या लड़की हो गया क्या? ऐसे मतलब लड़कियां भी कैसे ऐसे कपड़े पहन लेती है देखो। ऐसा लग रहा है नंगा हूँ आज। यार गाइस इतना तो है, पता नहीं क्या चाहिए। पता है हेमंत को ऐसा लगता है बॉडी वो अच्छी नहीं लगती यार। अरे अच्छी लगती है, मैं लगती ना बात खत्म। मेरा मन करता है जिम जाने का, सोचता हूँ कई बार की जिम ज्वाइन कर लूँ एक बार। लेकिन आलसी तरह घूमने भी नहीं आ रहा, घूमने भी नहीं आ रहा था कह रहा है मोटे मन नहीं है। मैं कहा पेट देख लो थुल थुला सा कहाँ जा रहा है, वैसे देख लो। मैं 4:30 बजे उठ जाता था गाइस, शादी से पहले इतना घूमता था। और देखो शादी से पहले मैं करता था यार, शादी से पहले अब नहीं करते ना। 7 मंथ जबरदस्ती लेकर आई हूँ घुमाने के लिए। कैसा लग रहा है कमेंट में बताना, हैंडसम लग रहा है नहीं लग रहा है? उन्होंने मेरे को सुनाया था 10 बातें किसी के कहने पर पहना था ऐसा वैसा। अभी ना गाइस इसके बाद हम जाने वाले हैं मार्केट, मेरे को ना कुछ ज्वेलरी लेनी, नकली ज्वेलरी। गाँव जाना है ना, असली पहनने का मन नहीं करता इतनी गर्मी में, हैवी हैवी। तो नकली मंगलसूत्र और नकली कान के लूंगी, क्योंकि असली तो बस खाली घर में रखने के लिए होता है, असली तो बस छुपाने का तिजोरी में। नकली होता है, नकली में क्या होता है पहनो और एक दो मैंने उसके बाद फेंक के नया लिया, तो मेरे को नकली अच्छा लगता है। पापा मम्मी कहते हैं कि असली बना रहा समय ना, सेफ भी रहता है ना, कहीं भी चले जाओ स्टाइल चेंज करते रहो। स्टाइल हाँ कितने तब से गले का चेंज कर चुके थे, मेरे को थोड़ा सा लगता है। देखो है सब कुछ घर में, भगवान के पास से कमी किसी चीज की नहीं, कुछ भी खरीद सकते हैं वो पैसे वाले। लेकिन हाँ मुझको अच्छा लगता था इसीलिए मैं वो चीज करती हूँ। आज पहली बार तो तूने बोला, सब तो है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, नौकरी चाकरी, अब क्या चाहिए। मेरा हाथ भी थक गया है अब। कौन सा पसंद आया? पसीना देखो पहले, गर्मी बहुत है यार। कौन सा पसंद आया? मुझे ये वाला सही लगा, मेरे को राउंड वाला अच्छा लग रहा है। पर ये राउंड वाला देख ले। एक आइसक्रीम के लिए भी इसकी इतनी चॉइस होती है, की वाली लेंगे वाली लेंगे, मैं चुपचाप से ये वाली ले ले, सही होती है। मैंने बहुत टाइम बाद कौन खाई, वरना हम 10 रुपए वाला लेकर आते हैं। तो जाएगा के बाद आती है मैंने चूज करो, इतनी गर्मी हो रही पूरे पसीने पसीने हो, बहुत गर्मी है यार बाहर। दिन भर एक तो एसी में बैठने के बाद बाहर वैसे भी ज्यादा गर्मी लगती है। अभी जाना है, मैं आज चाचा ने ना खाने में बुलाया कि डिनर हमारे में ही कर लेना, तुमको बार बार फोन आ रहे हैं। तो पहले ब्लॉग वगैरह भी एडिट करना है, एडिट करके अपलोड करके टैग वगैरह लगाने, क्योंकि चाचा के वहाँ जाएंगे अब सीधे डिनर। आज हमें डिनर पार्टी में जाना है। चाचा नमस्ते, क्या हाल है? हाँ भाई प्रतीक, क्या हाल है? खाना खा लोगे?
आएंगे स्पेशल इसीलिए तो हम लेट आए, जानबूझ के हम लेट आए। नमस्ते चाची, अरे हम मार्केट गए थे यार। मेरे को ना थोड़ा नकली मंगलसूत्र वगैरह लेना था, गांव के ना असली इतना पड़ा है ना गांव में, वो डर भी है, फिर वो एसी ऑन कर देता, भारी भी बहुत हो जाता है। चलो लोग आते हैं, एसी ऑन कर दो। मार्केट से आके इतनी गर्मी हो गई थी ना, गर्मी घर गई है। मैंने चाची का रिएक्शन करो, क्या हुआ चाची? एसी क्या हुआ, बाहर गर्म हुआ है। पार्थ ने मम्मी के लिए मदर्स डे पे बनाया, कितना प्यारा बनाया। जब हम छोटे थे ना, हम भी बनाते थे मम्मी के लिए, ऐसे फोल्डिंग वाले कार्ड से होते हैं ना, वो छोटे भी रहते हैं चाची भी, जैसे जैसे बड़े होते हैं। पर ये अच्छा बनाया है, फिर मदर्स डे और मदर दोनों को भूल जाते हैं। पर ये हम भी बनाते, तो तुम बनाया तूने कभी? नहीं बनाया। मदर्स डे होता क्या था, मुझे वही बता। हम तो बनाते थे, फादर्स डे पे भी बनाते थे, बर्थडे पे भी देते थे। तूने कैसे बनाया ये? स्कूल में बनाया था। मम्मी का बर्थडे कब आता, ये नहीं पता आज तक। नहीं पता मम्मी का बर्थडे, गलत बात है। मम्मी का बर्थडे तो पता होना चाहिए, फिर भी यार मम्मी का बर्थडे तो पता होना चाहिए। आज तक यहाँ से बेटर बनते हैं समोसे रसगुल्ले प्लेट में, छोटी बड़ी चीज नहीं खाते वो, एक से बढ़कर पूरा पता हलवाई बैठाएंगे या फिर मासी से खरीद के लाएंगे। बढ़िया बढ़िया, हम तो एक जोड़ी कपड़े चेंज नहीं करते, वो मार्केट जाएंगे अलग पहनेंगे, घास काटने जाएंगे अलग, अलग निकालने जाएंगे अलग अलग, और हम रहते भी आते हैं मैक्सी पहन चार पाँच ली है। ये बात तो सच है, वहाँ ना अब ज्यादा स्मार्ट स्मार्ट बन के रहते हैं। मैं मासी मार्केट में गया, मैं ऐसी झल्लू सी टी शर्ट और गंदी सी पजामा पहन के, और वहाँ देखो सारे बिल्कुल फॉर्मल पैंट में, जीन्स में, जूते पहन के, स्पोर्ट शू, बढ़िया हेयर स्टाइल बना के। मैं तो ऐसे बैठा हूँ यार, मैं गाँव से भी बदतर लग रहा हूँ, जैसे बिल्कुल लेबर वेबर नहीं घूमते, वैसा लग रहा था मैं। सही में अच्छी गाँव, बहुत डेवलप, बहुत डेवलप। चल सबसे अलग क्या चीज सबसे ज्यादा लग रहा है? कपड़े ही नहीं आज पूरे बेचारे के पास, बंद कर। बट फिर भी मैं सिंपल ही रहना पसंद करता हूँ, अच्छा ही लगता है। मैं वैसे भी सिंपल ही रहता हूँ यार हर जगह, मेरे को ज्यादा स्मार्ट बन के रहना पसंद नहीं है। अच्छा लगता है, ये बात तो है, पार्थव भी अच्छा लगता है ना। पार्थव तो है ही अपना स्मार्ट बॉय, अपना स्मार्ट बॉय कहते हैं, वो तो है ही स्मार्ट बॉय एकदम। मेरे बच्चे तो हैं अच्छे। हाँ, बच्चे इसके लिए या अपने बच्चों के लिए, सबके लिए? सारे बच्चे ही हैं हम उनके। अरे प्रतीक, कौन सा प्रोजेक्ट है ये तेरा? एक आंख से क्या दिखेगा इसमें? देख रहे इसके अंदर उसकी उम्र देख रहे, उसका साइज देखो, और उसके हिसाब से क्या काम दे रखा है उसको। तो ये तूने बनाया प्रतीक? फिर ये भी दीदी ने, आगे दीदी है ना इसकी दुकान, इससे करवाया मैंने यार। तो मुझे बाल मैं पकड़ूंगी दोनों हेल्प करके, क्योंकि हाथ काम से कट जाएगा ना बच्चे का। हाँ, काम से गलत काम है, ऐसे ना बच्चों को ये सब भी देना चाहिए। हमने ये नहीं बनाया, बट हमने दूसरे प्रोजेक्ट। अरे पर इतने छोटे बच्चों को ये सब भी देना चाहिए ना। बनाया इतना प्यारा कूलर, मैंने कहा ले आता है इसका काम आ जाएगा। कूलर कहाँ है कूलर? अच्छा स्कूल में जमा है, हमने है इतने प्रोजेक्ट्स, इतने मॉडल बनवाए हैं ना हमारे स्कूल वालों ने हमसे, पूछ मत बायो के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट। वही तो मैं कह रही हूँ, इतना खतरनाक चीज बनवा दी, वही तो मैं कह रही हूँ। मतलब उसके कितने साल के पार्थ हो? 11 साल के साथ ज्यादा ही एडवांस नहीं था। हमारे अच्छे स्कूल में पढ़े, हम नहीं पढ़े वो बात अलग है, बाकी अच्छा था हमारा। स्कूल के बाहर बोर्ड लगे थे बच्चों के, कह रहे देखे हमारे टॉपर्स के बोर्ड लगे हैं, लेकिन हमारे पीयूष का नहीं लगा। मेरे को तुम्हारा कौन सा लगा? तुम्हारा कौन सा लगा? मैं इससे कह रहा था हमारा तो वो उल्टे कामों का बोर्ड लगेगा, पीयूष ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से। गाइस निकल चुके हैं चाचा चाची के वहाँ से, खाना पीना खा के मस्त मुठिया का अंधूरा रही पे बना देते हैं, और थक गई हूँ बड़ा। सुबह सुबह हेमंत का ऑफिस है, तो यहीं पर ही मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। मस्त आइसक्रीम खाइए मोटे ने दबा दबा के, दबा दबा। चलो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, चलो गाइस गुड नाइट। कुत्ते भौंक रहे हमारे ऊपर गाइस, बाय बाय।